ये कपड़े पड़े इसे डालने, मुझे रात में ही मैंने मशीन लगाई थी, बाल्टी में करके रखे। और ये मेरे कल के कपड़े, और ये देखिए। और अभी बहुत ज़्यादा ठंड है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। और अभी फ़िलहाल पौने हाँ 6:30 बजे उठी हूँ, बट छत पे मैं 7:45 बजे आई हूँ। ये कबूतर हमेशा यहीं मिलता है। और ये गली में पूरा सन्नाटा है, ये 7 बजे तक लाइट बंद भी हो जाती है, तो ये लाइट भी बंद हो जाएगी अब। और लाइट बंद हो जाने का मतलब कि उठ जाओ भाई, सुबह हो चुकी है। और अब मैं जल्दी जल्दी जो कपड़े हैं, जो मेरी रात में मशीन लगी थी, तो ये कपड़े मैंने बाल्टी ला के रख दी थी कि मॉर्निंग में मैं डाल दूंगी, क्योंकि अब टेंशन रहता है यार ड्रायर तो ख़राब हो रखा है, तो ये मैं कपड़े डाल दूंगी तो ये रहता है कि 1-2 दिन में तो सूख ही जाएंगे कपड़े, और धूप निकल जा रही है फिलहाल, तो कपड़े भी मेरे सूख जाएंगे, इसलिए मुझे कपड़े डालने की ज़्यादा टेंशन होती है। अभी नीचे मैंने वॉश वगैरह भी, फेस वॉश कुछ भी नहीं करा है, इसलिए सबसे पहले उठते ही मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने कहा कपड़े डाल दूँ, क्योंकि कपड़े की टेंशन ज़्यादा रहती है। तो और पहले के भी कपड़े डले हुए हैं जो फ़िलहाल अभी सूखे नहीं है, तो ये भी डले रहेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ। और यहाँ छत पे पानी लग जाता है और ये जाता नहीं है, क्योंकि इसकी जो ढलान है वो ढलान नहीं हो रखी वहाँ पर, इसलिए तो ये मैं झाड़ू से मारूंगी और फिर पानी जाएगा यहाँ से। यहाँ पर कुछ टूट फूट रखा था तो उसको मैंने रिपेयर कराया, तो उसने मिस्त्री ने ख़राब करके चला गया मेरा। इसे आ चुकी हूँ, मैं फेस वॉश कर रही हूँ, मैं ये दिखा रही हूँ इसमें क्रिस्टल से हो गए हैं, मतलब ऐसा ठंड है कि इसमें मतलब निकल भी नहीं रही है सही से। तो मैं अपना पहले फेस वॉश करूँगी, ब्रश वगैरह करूँगी, उसके बाद मैं चाय चढ़ाती हूँ। और ये मेरी चाय बन चुकी है इसके पापा के लिए, तो इसके पापा को मैं दे देती हूँ चाय। ये मैं दलिया चढ़ा देती हूँ, तो मैं ये इस पतीले में ही मैं एक साथ ही दलिया भी डाल देती हूँ और घी भी डाल देती हूँ 1 चम्मच, और फिर एक साथ भूज लेती हूँ, काम जल्दी से निपट जाता है। अब मैं यहाँ आराम से बैठ करके गर्म पानी का सिप लूँगी आराम से। और ये जो मॉर्निंग का टाइम होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा फील होता है। और बस सिंपल पानी है गर्म, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप भी मेरे साथ माता रानी के दर्शन कर लीजिए। क्लीन अप भी करना है फेस पे, तो अब मॉर्निंग के काम के साथ मैं ये भी काम निपटा लूँगी। तो मैं और यहाँ पर मेरा दलिया भी हो चुका है रेडी, तो मैं इसमें दूध डाल दूँगी और इनके लिए। और मैंने पैक भी लगा लिया है, क्लीन अप मेरा हो चुका है, बस पैक लगा रखा है। पैक लगाते हुए मैं सारे काम करूँगी, एंड इसके पापा का टिफ़िन पैक कर रही हूँ मैं। तो मेरी रोटियाँ बन चुकी है, तो इसे पापा का टिफ़िन पैक करके मैं इसको रख दूँगी टेबल पर। 2 पराठे हैं जो मैं वंश के लिए और अपने लिए बना रही हूँ, और ये रात के आलू बॉयल पड़े थे तो उसी को मैंने मैश करके नमक डाल के धनिया थोड़ा सा, बस सिंपल सा मैंने करा है। और 2 पराठे बनाऊंगी, एक वंश के लिए और अपने लिए, और हम चाय पराठे के साथ यही नाश्ता करेंगे। और ये मेरा पराठा भी रेडी हो चुका है, तो मैं नाश्ता करने के बाद सारे काम करूँगी। और यार एक बात तो माननी पड़ेगी कि सर्दी में भी काम करने का अलग ही एक एक्सपीरियंस और मज़ा है। मेरे को मतलब मेरे को तो सर्दी बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपना बता रही हूँ। बट हाँ यार कभी, और अब भी तो फिलहाल ठंड ऐसी हो रही है कि पानी में हाथ डालते ही सुन्न हो जा रहे हाथ पैर। बट ठीक है, फिर थोड़ा सा हीटर के पास जाओ, गैस के पास जाओ और गर्म कर लो, और क्या। पर काम करने का यार एक अलग ही मज़ा आता है, और ना काम करते रहो तो आपको सर्दी लगेगी भी नहीं है, आपकी बॉडी एक हीट हो जाती है तो हमें सर्दी लगती नहीं है। बट दूसरा आदमी जब हमसे मिलता है ना, यार कैसे क्या हो रहा है, इतनी ठंड है, तो हम और वो सुकड़ता रहता है, तो हम कहते हैं यार इतनी ठंड है सही में लग रही है। हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये अभी 8:30 बज रहे हैं या 8:30 ऐसे समथिंग हो रहा है,
और ये आप पीछे देख रहे हो कपड़े पड़े, इनको सब मुझे प्रेस करने हैं। और बहुत ज़्यादा ठंड है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब हाथ पैर काम कर रहे ना, सुन हो जा रहे सुन। तो आज मैंने ये बालों में हेयर ऑयल करा है। अब मैंने आपको बताया था मैं मॉर्निंग में उठ के अपना मेरा फेस क्लीन भी हो गया है, मतलब क्लीन अप मैंने कर लिया है, स्क्रब वगैरह पैक वगैरह सब कर लिया है। तो ऐसे ही सारे काम मतलब घर के भी उसी बीच मेरा हो भी गया स्किन केयर, नहीं तो नहीं हो पाता यार। तो और अभी सारा घर, अभी मैं काम जा रही है कि बालों को वॉश करना है, क्योंकि मैं बालों को गर्म पानी से नहीं धोती हूँ, वॉश नहीं करती हूँ, चाहे कितनी भी ठंड हो जाए मैं नहीं करती हूँ, मैं मतलब ठंडे पानी से ही धोती हूँ। और टंकी का पानी तो आपको पता है कितना ज़्यादा ठंडा होता है, बर्फ़ की तरह सुन्न पड़ जाता है बालों में। और ये देखिए मेरे पिंपल हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है ना, तो मैं गर्म चीज़ खा रही हूँ तो भाई वो निकलेगा ही। और मेरे को गर्म चीज़ से, ड्राई फ्रूट वगैरह, गर्म चीज़ हो जो भी है, उससे मुझे मतलब मेरे स्किन पर रिएक्ट कर जाता है, मेरे को एलर्जी हो जाती है, तो इसी है पूरे पिंपल्स निकल जाते हैं मेरे। बट टच मूड तो ये रहा, ये मेरा एक पिंपल निकला हुआ है। तो चलिए, पिंपल तो आएंगे और जाएंगे, इनको तो रफा दफा करके रहेंगे हम, ठीक है। तो अब वंश को देखिए, वंश सो रहा है, वंश ये देखिए सो रहा है। और ये देखिए नाइट में मेरे हस्बैंड जी क्या पीछे अपने बेड के पीछे जहाँ भी बैठेंगे वहाँ पर इनका तामझाम हमेशा लग रहेगा। इन्होंने ये चाय पी थी, तो चाय मैंने ये चाय वाला कप ऐसे ही खाली है। और ये देखिए, मैं आपको बताना भूल गई, ये न्यू टिफिन है, तो ये मेरी छोटी वाली सिस्टर लेके आई थी और मेरे को इसने गिफ्ट दिया है। ना कहोगे, इसकी छोटी सिस्टर गिफ्ट ही देती रहती है, वो मेरे लिए, वो पता है कुछ भी लेती है ना तो मेरे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ ले ही लेती है। मतलब तो उसमें से एक पर्पल कलर था और एक ये था पीच कलर, तो उसने वो पर्पल लिया एंड मेरे को ये गिफ्ट दे दिया। ये भी कलर बहुत अच्छा है और ये मेरे लिए है, तो अभी मुझे नहीं पता इसका क्या करूँगी। और ये वन सो रहा है, बाबू उठ जाओ, ठंड है ना, ठंड में उठने का मन नहीं करता, तो मैं इसको उठाती भी हूँ। और अभी सर्दी में ना बोल कुछ हो रही हो, ऑफिसर ज़ारा वर्ड मेरा स्लिप हो जा रहा है भैया, स्लिप हो जा रहा है। पर मेरा फेवरेट, चाहे बर्फ़ पड़ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा फेवरेट वेदर ये ठंड ही है। मतलब मैं इसको बहुत मिस करती हूँ और मुझे ठंड बहुत 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 पसंद है। गर्मी आती है तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा।
वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपनी इस वीडियो में जैसे ये मेरी गन है इस गन के बारे में भी बताऊंगा और ये इसकी बुलेट्स है। ये देखिए ये मेरी कैसी गन है। ये ऐसी शॉट होती है। ये है, ये रिलोड है, रिलोड हो गई। इसके अंदर है काम आ रही मम्मा जी बता वॉल पे कहाँ गई? मैं मारूंगा उस वॉल पे, देखो देखो एक मिनट। ये मैंने देखेगा ये ऐसी होती है, देखो क्यूट सी छोटी सी। इसको भी ऐसे करना है, इसके अंदर डालना है, देखो चलिए।